उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको वहां ले चलते हैं सीधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं श्री सीएल वर्मा जी से अनुरोध करूंगा, वो अपना स्मृति चिन्ह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नेताजी के समक्ष रखेंगे। श्री सीएल वर्मा जी, डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद। सरकार में झूठे मुकदमे हो रहे हैं, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। सरकार अन्याय कर रही है, अखिलेश यादव ने ये सारी बातें कही हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, बीजेपी ने विकास का रास्ता रोक दिया है, ये अखिलेश यादव ने अपने जनसभा में कहा है। सरकार में झूठे मुकदमे हो रहे हैं, सरकार पर काफी बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव ने। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सरकार अन्याय कर रही है, बीजेपी ने विकास के रास्ते रोक दिए हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें सरकार को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी जनसभा में कही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में झूठे मुकदमे चलाए जा रहे हैं, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बीजेपी की सरकार यानी कि अब जाएगी, सरकार अन्याय कर रही है। सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अन्याय कर रही है। हमारे रिपोर्टर नरेंद्र यादव लखनऊ से जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर। तो नरेंद्र, जिस प्रकार से अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको देखकर आप क्या कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार अन्याय कर रही, झूठे मुकदमे चला रही है, झूठे मुकदमे की क्या बात है? देखिए, एक व्यक्ति आया था जिसका नाम नौरंग था, उसने कहा कि हमको गांजे के मामले में जेल भेजा गया है और वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर करीब 10 मिनट तक संबोधन भी किया और उसके बाद अखिलेश यादव ने मंच से खड़े होकर सीधे बीजेपी पर हमला किया और उन्होंने कहा कि ये लोग केवल बांटने की राजनीति करते हैं और प्रदेश में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सीधा हमला है अखिलेश यादव का कानून व्यवस्था को लेकर और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और इसी तरीके प्रदेश सरकार भी लोगों को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है और गांजे के मामले में युवक को फंसाया गया है। इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता यहाँ कार्यालय पर मौजूद थे और आज बड़ी संख्या में लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं, बीएसपी के कई कद्दावर नेता रहे हैं जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज उत्साह का माहौल रहा। समाजवादी पार्टी दफ्तर पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी यहाँ पर पहुंचे थे और सुनील सिंह का एक नाम बड़ा आया है, हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष रहे हैं। हाँ, अभी मौके पर उन्होंने अपनी पूरी वाहिनी को समाजवादी पार्टी में विलय किया है। पहले वो तमाम मामलों में जेल गए थे और जेल से छूटने के बाद बीजेपी से उनका मोह भंग हुआ और आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि उनके पास समय कम है, हमारे पास समय ज्यादा है और बीजेपी सरकार जो है एक तरीके से फेल रही है। उन्होंने आसाम का भी जिक्र किया, एनआरसी का भी जिक्र किया, किस तरीके से आसाम के एक हिस्से में परमिट लेकर जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखा जाए अपने संक्षिप्त भाषण में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। जी नरेंद्र, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्या ये उनका एनआरसी और सीएए को लेकर बीजेपी की तरफ हमला था कि जिस वजह से एनआरसी को लेकर और सीएए को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला था, क्या इसको देखकर उन्होंने कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में सीए और एनआरसी को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ था जिसमें 20 लोगों की मौतें हुई थी, काफी यहाँ पे आक्रोश देखने को मिला था जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कई लोगों के घर भी गई थी, इसको लेकर लगातार मुहिम चला रही है और लगातार समाजवादी पार्टी हमला बोल रही है। लेकिन आज उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तमाम घटनाओं को जोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चाहे वो अपराध को लेकर हो, चाहे आर्थिक दशा को लेकर हो, बेरोजगारी की दशा को लेकर हो। तो आज एनआरसी का तो उन्होंने नाम लिया है लेकिन आज हिंदू युवा वाहिनी के तमाम लोग समाजवादी पार्टी में जुड़े थे, बीएसपी के तमाम नेता समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। तो इन सारी चीजों को मिलाकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का
रुख हो रहा है, लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और एक उत्साह का माहौल को देखते हुए युवाओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और उसके पास समय कम है। अपने पार्टी के पक्ष में उन्होंने एक तरीके से माहौल बनाते हुए और विपक्ष को कमजोर दिखाते हुए बयान दिया है कि अब समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है, लोग इसके साथ सपा के साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी सरकार असफल रही है। इस सारे परिप्रेक्ष्य में अखिलेश यादव का ये बयान रहा है। जी तो नरेंद्र यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अब आपको आगे लिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यही आ रही है कि लखनऊ में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर काफी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विकास का रास्ता रोक दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार झूठे। सुनवाते हैं आपको कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था आखिर। ये कमाल के हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जेल भेज दिया। ये अलग बात है कि विरोधी लोग जेल जाते हैं। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, पहले दिन से मैंने कहा कि सरकार में अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। 3 साल गुजर गए संघर्ष करते करते, कोई सुनवाई नहीं है।